नियोजन नीति नहीं है, नियोजन नीति को लेकर के यहाँ के नौजवान सड़कों पर प्रत्येक दिन आंदोलन कर रहे हैं। हम सरकार से कहेंगे कि भाई आप बिना विलंब किए अब विधि सम्मत नियोजन नीति बनाइए। अगर सरकार को करप्शन के आरोप में फंसते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से देखते हैं, बड़े महंगे वकीलों को ले आते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहस में लगाते हैं। तो मेरा कहना है उन सारे वकीलों को लाइए और विधि सम्मत जो हो नियोजन नीति अभी झारखंड की धरती पर बनाइए और उसके लिए आप दूसरों का कंधे का इस्तेमाल मत करिए, ठेका फेकी मत करिए। अभी तक तो नौजवान इसको लेकर के आंदोलन कर रही है लेकिन अब लगता है कि पार्टी को भी नियोजन नीति को लेकर के सड़कों पर अब आंदोलन करनी पड़ेगी, क्योंकि झारखंड के नौजवान अब सड़क पर भटकते रहे और सरकार को उसे कोई चिंता नहीं। अब तो राज्य में कई स्वास्थ्य कर्मी वगैरह भी राजभवन के समय कई दिनों से धरना चल रहा है, रोज हालत बिगड़ते जा रहे हैं लेकिन सरकार को कोई उस पर चिंता नहीं। भाई कोरोना काल में जिन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम किया, सेवाएं दी, अब वैसे लोगों को भी अब हटा रहे हैं, वैसे लोगों को भी बात नहीं सुन रहे और ये सरकार लंबी लंबी बातें करती है। तो आज मैं समझता हूं कि झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार एक बड़ी समस्या है और नियोजन नीति या स्थानीय नीति बनाई नहीं सरकार, मामला लटका हुआ है। बातें तो करती है कि प्राइवेट में भी हमने 75% रिजर्वेशन दी लेकिन वो किस काम की, जहां आपने स्थानीयता की अभी तक ठीक से कोई विधि सम्मत परिभाषा ही वाली बातचीत ही नहीं की। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।